चाहता हूँ जितनी बढ़िया इतनी मेहनत आप लोगों की अलग अलग शेड्यूल्स में माइनस टेम्परेचर में शूट का और उसका आउटपुट जो है वो पोस्टर पे मुझे मिला। आखिर भाई किसका? बिल्कुल हमारे अनंत त्रिपाठी का। भाई रणदीप बसंती बेसिकली अगर आपके शब्दों में इस फिल्म को समराइज किया जाए थोड़े में कहा जाए तो कैसे? जिंदगी में कुछ काम मुश्किल जो होते हैं ना, जितनी मुश्किल जो चीज़ें होती है ना, मुझे लगता है जो आउटपुट इनपुट उसी का बेहतर होता है, क्योंकि दर्द से निकलने के बाद इंसान दर्द का एहसास करता है। मुझे लगा जब माइनस और उस माइनस डिग्री में ये तो नहीं थी बट ये थी। ये जो आप तो ये पिक्चर देख रहे हैं इनका फर्स्ट डे का है और माइनस 8 डिग्री में मैं ओपन बॉडी फाइट किया हूँ, ये देखी है ये नहीं, क्योंकि इनका वहाँ पे काम नहीं था, इनका इंडिया में काम था। वो इंडिया में ही है ना? कश्मीर अब हो गया है हमारा। तो हमारा इनके साथ मेरा काम कश्मीर में नहीं था, इनके साथ था ये गाना मेरा, बट वो बहुत टॉप जॉब था मेरे लिए। एक तो बर्फ में ओपन बॉडी आपको वर्क करना है, बर्फ पे गिरना है, तो वो थोड़ी सी टॉप थी मेरे लिए, बट मुझे लगा जे जो अच्छे एक्टर होते हैं उन्हीं को टॉप जॉब मिलता है, और शायद मेरे डायरेक्टर प्रिमांशु जी या मेरे प्रोड्यूसर रोशन सिंह जी को लगा कि शायद मैं बेहतर कर सकता हूँ, इसीलिए शायद ऐसा रोल उन्होंने चुना। और वहाँ पे जितने भी करेक्टर थे और जितने भी वहाँ के सच पूछे तो स्पॉट बॉय से लेकर 6 स्पॉट बॉय तो भाग गए, इतनी ठंड थी कि वो कर नहीं पाए। और उसके बाद सारे क्रू मेंबर जो भी थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो रुके और सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, लग रहा था हम लोग लंदन में हैं, हमें यहाँ कोई मिलेगा नहीं। शहर से 40 किलोमीटर दूर दूधपथरी पे वो बहुत टॉप जॉब था। और 18 से 19 दिन एक फाइट था मेरा जो कि मुझे गाड़ी उड़ाना था, उस दिन मुझे लगा जाए मैं जिंदा रहूंगा या कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन बस लोगों की दुआएं और लोगों का प्यार है जब मैं वो कर भी पाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब ये सिनेमा रिलीज होगी तो शायद आप लोगों को पता चलेगा जे मौत से खेलना क्या होता है। केसरी जी आपका जो किरदार है वो जो पेट्रियोटिक फिल्म कितना कनेक्ट करेगी ऑडियंस और जो चीजें हैं जो आर्मी वाले सरहद पर करते हैं क्या वो चीजें भी दिखाई जाएगी और थोड़ा सा बताइए अगर फिल्म के बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए। देखिए एक चीज है कि हम अभी हवा में है, कौन सा हवा लोगों को लगेगा चाहिए ठीक है, कौन सा लोगों को हवा लगेगा कि इस हवा में कोरोना है, ये हमें पता नहीं है। हम एक बेहतर काम करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, बाकी ऑडियंस को क्या बेहतर लगेगी क्या नहीं लगेगी अभी हमें पता नहीं है, बट उनके बेहतर के लिए ही हमने की, हमारी कोशिश है यही कि हम चाहे वो धूप हो चाहे वो जाड़ा हो या ठंडी हो गर्मी हो या बरसात हो, हम एक एज ए एक्टर हमारी जो हमें जिस काम के लिए चुना जाता है चाहे वो मैं हूँ रति जी हों या डायना जी हों चाहे एवरीथिंग जितने भी हमारे आर्टिस्ट हमारे साथ काम वर्क किए हैं सबने अपना 110% दिया है, किसी ने और चाहे वो टेक्नीशियन हो चाहे स्पॉट बॉय से लेकर हर वो आदमी ऐसे मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर तक मेरे साथ उस ठंड में शर्मिला दीदी और रोशन सिंह जी लगातार खड़े रहे, जबकि एक प्रोड्यूसर पैसा खर्चा कर दे कि यार तुम लोग काम करो हम होटल में हैं या इतना ठंडा में नहीं रह सकते, लेकिन उसके बावजूद जो चैलेंज था वो वेदर एंड क्लाइमेट चैलेंज था, गर्म और ठंड भी दोनों चीजें हम लोगों को बहुत परेशान किया कश्मीर वाला, और कट्टू उसका उल्टा था जब हम लोग मैं वहां पे इनको तो बाप रे इनको तो लगता था कि धरती का सारा गर्मी इन्हीं को लग रहा है, 5 मिनट नहीं होता था भाई यार को तो मेकअप लगता नहीं। सबसे पहले तो इनके बारे में आपको बता दूं, मां ने इनको आखिरी बनाया है या फर्स्ट बनाया, फर्स्ट कॉपी है या आखिरी है पता नहीं, इनको मुझे सुंदर दिखाने के पत्तड़ में इनको डल करना पड़ता था। अब इनको ज्यादा कुछ भी लाइट लगता था ना भाई मैं पूरी सिनेमा में सुंदर नहीं दिखा, इनके साथ जितना भी मेरा सीन होगा मैं सुंदर दिखाई, रीजन की अगर लाइट लगा दो अगर उससे भी कई गुना ज्यादा सुंदर लगती है। हाँ इनके साथ मेरा मैच हो गया है क्योंकि हम दोनों का कलर सेम है, ये डिफरेंट है, तो दोनों जगह मुझे बहुत थोड़ा सा कष्ट हुआ कि एक जगह में बिल्कुल डल दिखा हूँ जो सबसे सुंदर हॉट लड़की है, एक जगह जो घर में क्या बोलते हैं फैमिलियर जो लड़कियां होती हैं इनके सामने में मैच कर गया हूँ, हम मैच है, बट इनके सामने मैच करना मेरे लिए नहीं, मेरे लिए पता नहीं क्या था, बट मेरे डायरेक्टर और मेरे डीओपी के लिए बहुत टॉप जॉब था कि मेरा डीओपी कहां से खेसारी को दे दूं लाइट, कहां से डायना का कम कर दूं, कम से कम एक सीन के लिए 1 घंटा लाइटिंग होता था इनके लिए, क्योंकि इनको
थोड़ा सा भी लाइट लगता था तो ये एकदम डायरेक्ट मैदा का गोरी लगती थी और बहुत ज्यादा गोरी हो जाती थी, तो वो थोड़ा सा मैदा की बोरी समझ रही हूँ। ठीक बात। देखिए प्राउड फील तो तब होगा जब वो अपने दम पे कुछ करेगा। मुझे प्राउड अपने बच्चों पे तब होगा, और किसी भी बाप को अपने बच्चों पे प्राउड तभी होना चाहिए जब वो अपने दम पे कुछ करेगा। अभी तो ऋषभ मेरे बदौलत यहाँ आया है, और उसका मोटो एक्टिंग नहीं। और मैं कभी अपने बच्चों पे, चाहे किसी भी, मैं सब जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपने सपने को ना अपने बच्चों में मत ढूंढिए, उसको जो बनना होगा वो बन जाएगा। मेरे पापा मेरे को लिट्टी चोखा बेचवा रहे थे, लेकिन मैं यहाँ तक पहुँचा और मैं अपने जीवन को अलग लेके गया। तो जिंदगी में अपने बच्चों पे अपने सपने को मत थोपिए, और मैं भी अपने बच्चों पे अपने सपनों को नहीं थोपता। उसको जो बनना होगा वो बन जाएगा भाई, हमें जो बनना था हम बने, उसको जो बनना होगा वो बनेगा। तो हम अभी 6 साल का बच्चा है, अपने सपने को अभी से थोप दे कि तुमको यही बनना है, वो डिप्रेशन में अपनी जिंदगी नहीं जी पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि उसको जो बनना होगा बनेगा। अब उसका सपना अगर एक्टिंग है तो एक्टिंग करेगा। मेरा कोई सपना नहीं है कि मेरा बेटा क्या बनेगा, मुझे जो बनना था बना, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी भी फैमिली आएगी, उसका भी अपना साम्राज्य होगा, वो जो बनना होगा बने भाई, उसके लिए जो करना है मैं कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए सबसे बड़ी चीज की इस सिनेमा में ऐसे मुझे लगता है कि पहली बार भोजपुरी में इन्होंने देखा, ये भी बहुत बड़ी अक्टर है, घायल टू जैसे सिनेमा इन्होंने करके ये तो हम लोगों की माँ। एक्टिंग के मामले में मैंने रति पांडे को, मैंने अपने जीवन में एक चीज देखा कि जब ये मेरे सामने खड़ी होती थी ना, तो मेरे लिए इतना चैलेंजिंग होता था कि मैं याद इस लड़की के सामने कैसे, क्योंकि ये अपने आप को जो चेंज करती थी ना एट द टाइम, क्योंकि ये मेरी पत्नी भी है और मेरी माँ भी, दो चीजें इन्होंने प्ले किया और एक कोई बात नहीं, चीजें हैं। तो एक एक महिला को ये दोनों प्ले करना, और ये बाप रे सामने कोई भी हो एज ए गुड एक्टर, मैंने बहुत सारे एक्टरों के साथ काम किया, बट रति द बेस्ट एक्टर, और इनका बॉडी लैंग्वेज और सेट पे जो माहौल और इनके अंदर इनकी भी खूबी है, इसे हमें कभी नहीं लगा कि ये हिंदी लेवल से आई हैं या हिंदी की इन्होंने परफॉर्म करके आया। हमारा जो माहौल होता था ना वो एक क्लियर, ऐसा नहीं मुझे कभी लगा जे यार ये भोजपुरी समझ के मुझे अवॉइड करेगी। हम लोगों ने मस्ती भी खूब की, चाहे ये है चाहे वो है, चाहे ऋषभ हो, इनकेस मेरी वाइफ भी सेट पे बहुत दिन रही है, चाहे मेरे होता है ना कि एक माहौल जो होता था वो बहुत फैमिलियर था, और इसीलिए शायद हम एक दूसरे को सपोर्ट करके एक बेहतर सिनेमा कर पाए, नहीं तो शायद हम नहीं कर पाते, क्योंकि एक कहानी बड़ी डिफरेंट थी। सारे कैरेक्टर्स बहुत पैशनेट थे इस प्रोजेक्ट को लेकर, तो फुल पैशन के साथ काम किया है सभी ने। और बहुत टॉप था भाई ये रंगदे बसंती, मुझे मेरे जीवन में मुझे लगता है ना कि मैंने जिंदगी में बहुत सारे वर्क किए हैं, इससे भी टॉप टॉप चीजें की है, लेकिन आपको अभी बेटा बनना है और अभी बाप बनना है, अभी तुरंत दादाजी बन जाना है, तो उसके लिए चेंज ओवर और सबके साथ होता, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ही करेक्टर चेंज था, बहुत सारे करेक्टरों पे काम करना बड़ा टॉप जॉब था, गर्मी भी थी, ठंडी भी थी, बरसात भी था, तो सारे चीजों को लेकर मुझे लगता है कि भोजपुरी की एक ऐसी फिल्म है जो मेरे जीवन की अभी तक, इसके बाद कितना महंगा करूंगा मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक जितने भी मैंने सिनेमा किए सबसे बिग बजट और बिग एक प्रोजेक्ट है, जो कि आपको नहीं लगेगा कि आप एक हिंदी फिल्म नहीं देख रहे हैं। भोजपुरी भाषा जरूर है, लेकिन आपको लगेगा मेकिंग टैकिंग हर वो चीज, चाहे वो करेक्टर हो, और करेक्टर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हिंदी लेवल से, अभी हमारे जो त्रिपाठी जी, अब आप लोगों ने जो कलकत्ता के हमारे अमित भट्टाचार्य जी, आप लोगों ने उनको बहुत सारी सिनेमा में देखा भी होगा, जो कि मुन्नी के बाप भी बने हैं बजरंगी भाईजान में, मुन्नी के बाप वही बने थे, तो बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जो हिंदी लेवल से लिए गए हैं, और ये क्विंग बाप रे बाप बढ़िया। सबको सबसे पहले मैं समर चतुर्वेदी प्रणाम करता हूँ जी। बहुत अच्छा, देखिए कुछ अलग है, और अभी तक जितना भी केसारी जी को लोगों ने देखा है, शायद ये मुझे लगता है कि मैं अलग तो नहीं कहूँगा लेकिन कुछ एक नए अंदाज में, तो मुझे भी देख के सरप्राइज हुआ मैं, और मुझे अच्छा लगा
लगा कि यार चलो एक उनका जो 11-12 साल का एक सिनेमा की जर्नी साथ में देखी है, तो मुझे लगा कि कुछ अलग अंदाज में वो भी आ रहे हैं। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये फिल्म जब आएगी तब देखिएगा, क्योंकि अगर मैं अभी बता दूंगा तो बहुत कुछ पता चल जाएगा। मैं हूँ, बस ये पता है कि मैं हूँ। देखिए जवान पिक्चर में संजय दत्त थे, किसी को पता था, जब देखने गए तभी पता चला ना। कह सकते हैं, बनने में क्या बुराई है, आदमी का चाहना कोई थोड़ी ना बुरी बात है। नहीं नहीं, मैं सारे रोल करने लगा हूँ आजकल। मंडप में भी कॉमेडी की है मैंने, भुलक्कड़ में कल्लू जी का फादर बना हूँ तो उसमें डांट रहा हूँ उनको, तो मैं सब चीजें सारे रसों को अब पान करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारा परिवार का दायरा बढ़ रहा है और हमारे परिवार में नए नए सदस्य आ रहे हैं और सब इतने हम्बल और इतने सरल और सहृदय हैं कि उनके दिमाग में भोजपुरी सिनेमा को लेके कहीं भी कोई गंदगी नहीं थी। तो बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने आए, और इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि और भी बहुत सारे लोग आए ताकि हमारा रंग दे बसंती के कारण या और आगे भी परिवार बढ़ता रहे। थैंक यू। इसलिए क्योंकि हमारी रीच बढ़े, क्योंकि हमारा जो खेसारी जी हैं उनकी तो बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, बट क्योंकि जो हमारे बॉलीवुड की जो एक्ट्रेसेज हैं, जो टीवी सीरियल की आर्टिस्ट हैं, उनका एक अपना ही फैन फॉलोइंग है, तो हम लोग चाह रहे थे वो हम लोगों के घर तक पहुँचे, जो हमारी ज़रूरत है इस समय फिल्म की, तो हमने इसके लिए प्लान किया कि इन लोगों को फिल्म में कास्ट करें। कि हम लोगों ने क्यों कास्ट की, बाइफर्केशन क्यों रखा इस तरह का, जो सर बोले मेन बात वही है कि भोजपुरी को सिर्फ भोजपुरी तक सीमित नहीं रखा जाए, थोड़ा सा आपको और बढ़ाना है तो कुछ और लोगों को जोड़ना ही पड़ेगा, तो यही मकसद था। और हम लोगों ने कुछ ऐसे नहीं कि किसी को भी जोड़ लिया, जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे वही हमारे फिल्म के साथ एज ए आर्टिस्ट हो, एज ए टेक्नीशियन हो, वही जुड़े हैं। आलोक दे का नाम सब जानते ही होंगे, जो साउंड इंजीनियर कितने बड़े हैं, तो उनको हम अगर अपने साथ जोड़ रहे हैं तो इसका पीछे हमारा मकसद है कि भोजपुरी का साउंड हमेशा इन्फीरियर कहा जाता था, कि भोजपुरी की साउंड क्वालिटी वैसी नहीं है कि 5.1 पर सुन के वो मजा आए। तो इस बार जो भी भोजपुरी दर्शकों से मेरी निवेदन है, इस फिल्म को जब देखेंगे तो जो हिंदी का साउंड क्वालिटी मिलता है सेम साउंड क्वालिटी उनको मिलेगा। और बाकी आप अभी देखे ही, आप लोग से मुखातिब हुई, चाहे डायना खान हो, चाहे रति पांडे हो, चाहे अमिताभ भट्टाचार्य हो, ये ईच एंड एवरी वन डिजर्विंग द बेस्ट, दैट्स व्हाई दे वर इन आवर फिल्म्स। इसको मैं सेकेंड लुक नहीं बोलूंगा, मैं न्यू लुक बोल के इसको इंट्रोड्यूस करता हूँ, क्योंकि ये हमारा न्यू लुक था। अभी हमारी प्लानिंग है, फर्स्ट हम लोग इसका टीजर लेके आएंगे, बट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। फिल्म हमारी फेब की प्लानिंग है रिलीज करने की, और बहुत ही बड़े पैमाने पे हम कोशिश कर रहे हैं रिलीज करने की, हमारी कोशिश होती है कि हम करें और देखें हम कितना सक्सेसफुल होते हैं। ये तो सब आप लोगों का अगर साथ रहा तो डेफिनेटली हम करेंगे। चूंकि मैं भोजपुरी से हूँ, हमने यहाँ बहुत काम किया है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप एक जैसे हम कहीं रहते हैं तो हमारे लिए कहा जाता है कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होता है। सो अगर मैं हूँ यहाँ तो मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अपने लैंग्वेज की, और मैं उसको कोशिश करता हूँ कि मैं उसको लोगों तक पहुँचा पाऊँ। क्योंकि आज हमारे पास क्या प्रॉब्लम हो गई है, आप अगर देखेंगे सो जो थिएटर है, हमारे थिएटर हैं, लोग हैं हमारे पास, बट जो लोग नहीं हैं उन्हें हमें थिएटर में लाने की कोशिश करनी है, और मैं यही कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर आपको टीजर मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है इस साल में ही आपको देखने को मिलेगा। ट्रेलर आपको नेक्स्ट ईयर, शायद नेक्स्ट ईयर मतलब क्या जान में हम बोलेंगे, अभी नेक्स्ट ईयर फेब्रुवरी 24। वो
सी इसके लिए बेटर रहेगा प्रेमांशु जी इसका जवाब देंगे क्योंकि ये पैट्रियोटिक फिल्म। मैं ये बताना चाहूंगा कि रंगे बसंती ओनली पैट्रियोटिक फिल्म नहीं है, ये एक पारिवारिक पृष्ठभूमि पर पनपती एक देशभक्ति फिल्म कह सकते हैं, एक जोश वाला। वन लाइन में ये कहानी है कि फौज का नौकरी कोई पेशा नहीं, एक पैशन है। सिर्फ चंद पैसों के लिए कोई फौज की नौकरी नहीं कर सकता है। अब ये छोटी सी एक थ्रेट को हमने किस तरह से इमोशनली और पारिवारिक और गाने बजाने के साथ जुड़ा है इस कहानी को, वो कहती है हमारी रंगदे बसंती। तो आउट एंड आउट ओनली देशभक्ति फिल्म डेफिनेटली ये नहीं है, इसमें देश के देशभक्ति के अलावा भी बहुत सारे रंग देखने को मिले। गाने बजाने की बात की है तो इसके अंदर बॉलीवुड के दिग्गज सिंगरों ने गाया है, कैलाश खेर की आवाज इसमें शायद होने वाली है, दिलेर मेहंदी की आवाज होने वाली है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, इसमें एक गाने हैं जो राम जी की जय, वो दलेर पाजी ने गाया है। एक गाना है वो जिसने जिसको रिचा शर्मा ने गाई है। एक कैलाश खेर साहब ने टाइटल ट्रैक गाया है। तो तमाम म्यूजिकली भी, और मैं वही बता रहा हूँ, ऑडियो वाइज जो क्वालिटी इस बार भोजपुरी में दिखेगी वो डिफरेंट लेवल पे रहेगा, ये तो डेफिनेट है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि इसका ऑडियो क्वालिटी हिंदी से पैरेलल टू हिंदी रहेगा। थैंक यू सो मच। हाँ जी, सिचुएशन तो बहुत डिफरेंट था। फर्स्ट हमने कश्मीर में शूट किया जो काफ़ी कूल वेदर था, उसके बाद हम आजमगढ़ में शूट किए जो काफ़ी हॉट टेम्परेचर था। तो बहुत परिस्थितियों से गुजर के हमारी फिल्म आई है, और शायद आप लोग जब देखोगे तो पसंद लगेगा कि हमने कितने स्ट्रगल किए हैं इस फिल्म को बनाने में। और सर का काफ़ी मेहनत सर ने इस फिल्म पे किया है, जो ऑडियंस को काफ़ी पसंद आएगी वही सोच के हमने आगे बना रहे हैं। फ्रॉम द आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं, खेसारी के साथ मिला जो कॉर्डियल रिलेशन है वो है ही, और जो नए आर्टिस्ट हैं विद इन ए डे विद इन ए शॉर्ट वही कॉर्डियलिटी हमारे बीच में बन गया। एक फैमिली जैसा हम लोग काम करते थे, जैसे रति ने बताया कि रति पटना से जुड़ करती है, तो भोजपुरी भाषा में बात करना, अपने घर जैसे रहना। और फिल्म की जो सबसे अहम हिस्सा है जिस एक्सपीरियंस को मैं शेयर करना चाहूँगा, वो हमारे पास हमारे राइट साइड में खड़े जो व्यक्ति है उनके कल्पना के अलावा ये फिल्म प्रसिद्ध नहीं है। ये फिल्म अगर हिट करती है, ये फिल्म जितनी अच्छी करेंगे, सारे क्रेडिट का पहला हकदार ये है, उसके बाद ही कोई आर्टिस्ट किया डायरेक्टर। और अगर फिल्म में कुछ ये है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूँ, क्योंकि इन्होंने कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। जैसे मैडम बता रही थी कि हम लोग माइनस टेम्परेचर में शूट किए, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर में शूट किए 45-48, तो ऐसे नहीं कि ये ऐसे में बैठे रहे, ये लोग के सामने एज ए वर्कर जैसे इन्वॉल्व होना चाहिए था, वैसे इन्वॉल्व हुए। कश्मीर जैसा एडवर्स सिचुएशन में शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट कम दिखा है, सब बोले नहीं ये सिर्फ अभी बंद करो नहीं शूटिंग है। तो इनका जो करेज है, जो पैशन है फिल्म के प्रति, वो ही शायद रंग लाएगी रंगदे बसंती में। हम तो 36 फिल्म किए हैं, बाकी 38 फिल्म लगे हुए बहुत किए हैं। सर का जो एक जुड़ाव तो लगा था कि ये फिल्म को ऐसी बना चाहिए, तो जो इनकी परिकल्पना थी तो हमारे बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। मैं भी नहीं सोचा था कि ये फिल्म बाकी में इतनी बड़ी होगी। ये चूंकि ये दोनों ने इतना सपोर्ट किया, और लास्ट तक ये सिग्नल चाहिए ले लो, इतना मेरा 10 लाख होता हो, ये साउंड जी ने कर लो, चीज़ अच्छी बननी चाहिए। तो ये जो इनके अंदर एक जुनून पैशन है, इसकी तारीफ सबको करनी चाहिए, और इस बात की पब्लिसिटी होनी चाहिए कि हमारे ऐसे प्रोड्यूसर भोजपुरी में है, भोजपुरी दल में है इनके। रोशन सर से मैं जानना चाहता हूँ, सर नाम बहुत अच्छा है रंगदे बसंती, सिंगर बहुत अच्छे हैं इसके अंदर आपने जो लिए, एक्टर बहुत अच्छे अच्छे हैं, क्या ये पैन इंडिया फिल्म होगी? हालांकि लोग बोलते हैं पैन इंडिया फिल्म होगी, लेकिन करते नहीं है, क्या यहाँ से शुरुआत हो जाएगी? पैन इंडिया सी भोजपुरी लैंग्वेज में ही पैन इंडिया होगी ये फिल्म, चूँकि आप लोगों ने देखा है जो हमने पहले भी कोशिश की है करने की, रिलीज़ करने की कोशिश की है, जहाँ हम नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ करने की कोशिश की है। इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे, और इवन इसमें हमारी पूरी टीम सपोर्ट कर रही है, और डेफिनेटली हम ट्राई कर रहे हैं इसको करने का। आप लोग फिल्म देखिए, हम लोग बहुत मेहनत से फिल्म बनाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पारिवारिक फिल्म है, चूँकि हर फिल्म पारिवारिक ही हो रही होती है, और सभी लोग बोलते हैं अच्छी फिल्म है, आप लोग आइए और देखिए और एंजॉय कीजिए इस फिल्म।
सारा दर्शकों से मेरी भी अपील है, ऐसे प्रोड्यूसर नहीं मिलेंगे बार बार। इस फिल्म को हौसला अफजाई करने के लिए, इनके हौसला अफजाई करने के लिए फिल्म को जल्द थिएटर में आइए, मल्टीप्लेक्स में आइए, ज़्यादा तादाद में आइए, ताकि हम ऐसे ही बड़ी फिल्में बनाते रहें। और नहीं तो फिर तो बाकी आप टीवी देखना चाहेंगे तो आपकी मर्जी। अगर ये रंग दे बसंती को चलानी है, भोजपुरी को आगे बढ़ानी है, तो डेफिनेटली रोशन रंग डालना पड़ेगा, रंग दे बसंती को देखना पड़ेगा। थैंक यू। सभी से यही अनुरोध करूंगी कि आप लोग इस फिल्म को देखें, और कोशिश तो सबने मिलकर बहुत अच्छी की है। अब कोशिश का मतलब आप लोग ही बता सकते हैं कि हमने कोशिश की है वो अच्छी है, बुरी है, कैसी है, तो आप लोग देखें और इसको प्यार दें। थैंक यू सो मच।